रविवार को कसरावद नगर में जनसंपर्क पर निकले भाजपा प्रत्याशी आत्माराम पटेल ने मीडिया से कहा कि अरुण यादव को अपने पिताजी की तरह दिन में सपने देखने की आदत है। वे कांग्रेस की सरकार बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि भाजपा बुधनी व कसरावद के साथ ही पूरे प्रदेश में जीत हासिल कर सरकार बना रही है। कर्ज माफी के सवाल पर श्री पटेल ने कहा कि किसान जानते हैं कि शिवराज सरकार ने किसानों के हित में कई कार्य किए हैं, जिससे किसानों को इसका सीधा फायदा हुआ है। श्री पटेल का नगर में कई जगहों पर स्वागत किया गया, वहीं विभिन्न स्थानों पर उनका तुलादान भी किया गया। किसान नहीं मानता कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, जब कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही तो कर्ज माफी के मुद्दे का औचित्य नहीं है। कर्ज माफी का मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस को खुद को भी मालूम है कि अपनी सरकार नहीं बन रही है, और इसलिए उन्होंने इतने अनाप शनाप घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि पूरे भारत सरकार का पूरा 5 साल का बजट भी अगर लगा दिया जाए तो घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, और उनको मालूम है कि अपनी सरकार बन नहीं रही है, इसलिए अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। कसरावद में जनसंपर्क के दौरान अरुण यादव ने कल बोला था कि बुधनी से भी चुनाव जीतेंगे, कसरावद से भी जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनके पिताजी सोते सोते ही सपने देखते रहे 20 साल तक, ऐसे ही ये सपने देख रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। दोनों जगह चुनाव हारेंगे, डंके की चोट के ऊपर कसरावद विधानसभा के 265 मतदान केंद्र के हमारे भाजपा के कार्यकर्ता एक एक मतदान केंद्र को कल जीतने का संकल्प लेकर के गए हैं।